गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? ट्रांसफॉर्मर, इज दैट इट? तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर है ट्रांसफॉर्मर का। And transformer is one of the most important topic in our electrical machines, है ना? सबसे पहले ये बताओ, ट्रांसफॉर्मर जरूरी क्यों है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में? ट्रांसफॉर्मर क्यों जरूरी है? अगर ट्रांसफॉर्मर ना होता तो क्या होता? उसका काम क्या है? स्टेप अप स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या? वोल्टेज वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने से क्या फायदा होता है? क्या होता है? लॉसेस कम हो जाता है। क्यों? क्यों वोल्टेज बढ़ाने से लॉसेस क्यों कम हो जाता है? वोल्टेज बढ़ाने से लॉसेस क्यों कम हो जाता है? सिंस पावर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज वी इंक्रीजिंग द करेंट एज वी डिक्रीजिंग द करेंट वोल्टेज इंक्रीजेस। क्या कुछ भी, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ गलत है। बोलो जय श्री। क्या होता होगा सौरभ सीमांतो? क्या है ट्रांसफॉर्मर हमारे सिस्टम के लिए जरूरी क्यों है? और हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर यूज करने से लॉसेस कम हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑलरेडी, ट्रांसमिशन सिस्टम आप लोग का हो गया ना, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में आप लोग क्या यूज कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, पावर ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, है ना? सो उससे लॉसेस कैसे कम हो रहा है? नो आइडिया। ट्रांसफॉर्मर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम वोल्टेज को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, उसको स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सके, है ना? पर जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो करंट क्या होगा? वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? करंट जब घट जाएगा, और अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाएगा। अगर करंट कम होता है तो जो लॉस है मेरा, कॉपर लॉस, कितना? आई स्क्वायर आर लॉस, ये क्या होगा? होगा कम हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ करंट कम हो जाएगा, करंट अगर कम हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मेरा ट्रांसमिशन लाइन का कांस्टेंट है। एक बार हमने केबल लगा दिया, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है ना? टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा होगा, अदरवाइज देयर इज नो चेंजेस। सो अगर वोल्टेज बढ़ाता हूं करंट कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा। आपको एक बेसिक लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट कैसे कम होगा? रिम्पी, ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए?
करंट क्यों घट जाता है ट्रांसफॉर्मर में? हाँ, पावर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ट्रांसफॉर्मर में हम क्या कर रहे हैं? पावर कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मर का। आप सबको पता है ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है ना। तो हम जो वोल्टेज यहाँ पे इन करेंगे और जो वोल्टेज मुझको यहाँ पे आउट मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देता हूँ तो इधर अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो पावर इन होगा और यहाँ पे जो मुझको पावर आउट मिलेगा, दोनों पावर क्या है? कांस्टेंट है। कि ये ट्रांसफॉर्मर पावर को तो जनरेट नहीं कर रहा है ना, ट्रांसफॉर्मर पावर जनरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है? सोर्स लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है। पावर प्लांट्स में क्या है? जनरेटर्स है, वो जनरेटर सप्लाई कर रहा है पावर को, है ना, और उसी पावर को ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और पावर को जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो पावर कांस्टेंट है, जितना लोड लगाओगे। हेलो, हाय दीप, मैं क्लास होता शु अलग पीछे कॉल कर रहा हूँ, देता पीछे कॉल कर। सो पावर जितना इनपुट पे देंगे उतना ही आउटपुट पे भी निकलेगा। अगर मेरा पावर कांस्टेंट हुआ तो मुझको पता है V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 होगा, है कि नहीं? तो जितना पावर देंगे उतना ही पावर निकल जाएगा, तो पावर रिमेन कांस्टेंट। और पावर अगर कांस्टेंट होता है तो फिर वोल्टेज कैसा? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होना पड़ेगा? पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट कम होना पड़ेगा। क्लियर अभी? तो सिंस पावर रिमेन कांस्टेंट, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है, इसलिए आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है, हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। मुझको एक बात बताओ, एसी करंट ज्यादा बेटर है कि डीसी करंट ज्यादा बेटर है? एफिशिएंसी एसी एफिशिएंसी वाइज एसी से ज्यादा फायदा मिलेगा कि डीसी से ज्यादा फायदा मिलेगा? डेफिनेटली डीसी करंट ज्यादा है ना, अच्छा है ना, डायरेक्ट करंट है भाई, वहां पे क्या है? डायरेक्ट लॉसेस कम। करंट ज्यादा अच्छा मिलेगा, डायरेक्ट करंट, इसमें आरएमएस वैल्यू मिलता है, उसमें एवरेज डायरेक्ट मिलेगा मुझको। लेकिन क्या होता है, जब हम डीसी करंट को जनरेट करते हैं और डीसी करंट को फेच करने की सोचते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ पा रहे हो? लेकिन एसी का फायदा क्यों आया? एसी में फायदा इसलिए आया क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है मेरे। अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो फिर मेरे लिए डीसी ज्यादा बेटर होता। आज के डेट पे हम लोग जितना इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं, जितना सिस्टम डिजाइन करते हैं, सब कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट पे कर रहे हैं। क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट पे कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये बंदा है, ट्रांसफॉर्मर है बीच में, अदरवाइज डीसी से ही चलाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता, लॉन्ग डिस्टेंस पे सारा लॉस हो जाता बीच में, तो जितना कमाते उससे ज्यादा खा जाते। क्लियर दिस मच? सो लिखो, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये स्टैटिक डिवाइस है, रोटेशनल इक्विपमेंट नहीं है ना, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टेटिक डिवाइस which ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर में क्या चेंज नहीं हो रहा है? फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज इनपुट दे रहा हूँ तो मुझको 50 हर्ट्ज ही आउटपुट मिलेगा, है ना। मैं अगर यहाँ पे 20 हर्ट्ज का इनपुट देता हूँ 20 हर्ट्ज आउटपुट पे मिलेगा। सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो लिखो ऐसे बुलेट दे के लिखो, बुलेट पॉइंट दे के लिखो, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इसमें पावर चेंज होता है क्या? पावर चेंज नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट पावर डिवाइस। कॉन्स्टेंट पावर डिवाइस। थर्ड पॉइंट लिखो, फेज शिफ्टिंग डिवाइस। फेज शिफ्टिंग डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। सो इट इज ए फेज शिफ्टिंग डिवाइस। वो मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे फेज शिफ्ट होता है। वी विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट। सिंगली एक्साइटेड, सिंगली एक्साइटेड कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस। सिंगली एक्साइटेड कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? फ्लक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पावर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस। निगेटिव फीडबैक सर्किट। ट्रांसफॉर्मर इज ए निगेटिव फीडबैक सर्किट। एज इट ओबेज लेंस लॉ। ट्रांसफॉर्मर क्या ओबे करता है? लेंस लॉ से हम ट्रांसफॉर्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं, तो लेंस लॉ ओबे करता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए निगेटिव फीडबैक सर्किट। ट्रांसफॉर्मर इज ए टू पोर्ट फोर टर्मिनल डिवाइस। टू पोर्ट एंड फोर टर्मिनल नेटवर्क बोल सकते हो या फिर डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज ए टू टू पोर्ट फोर टर्मिनल। टू पोर्ट एंड फोर टर्मिनल। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ट्रांसफॉर्मर क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड एंड मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड एंड मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस। यहाँ पे क्या है? एक सर्किट प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है ना। लेकिन कपलिंग किससे हो रहा है? मैग्नेटिक कपलिंग। सो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, है ना। इट हाँ, इज कोई बार रिपीट करिबो कि कोले। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस। हाउएवर इंटरनली, हाउएवर इंटरनली
इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस. सो इंटरनली क्या देख रहे हैं हम लोग, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, बट ओवरऑल इट इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस. आप इलेक्ट्रिकल पावर इन कर रहे हो, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर ही मिल रहा है. सो इसमें एनर्जी कन्वर्शन नहीं हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है, पावर रिमेन सेम. सिर्फ क्या हो रहा है कि इंटरनली इधर से इलेक्ट्रिकल फिर मैग्नेटिक एनर्जी में आया और फिर मैग्नेटिक से फिर से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला. हम लोग अगर मोटर का बात करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है मोटर में, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस. हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड से फिर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है. तो दोज आर एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, बट ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस. यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल. क्या है ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताओ. क्या है याद नहीं है? देख पुराने जमाने में अच्छा था, ठीक है, क्या अच्छा था बताओ. ये सब बोर्ड नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड होता था. ब्लैक बोर्ड होने से क्या अच्छा था, उसमें हम लोग किस चीज से लिखते थे, चौक से लिखते थे, है ना. उसमें क्या अच्छा था बताओ, कि उसे मारने से ना चोट नहीं लगती है. मेरे पास ये है मार्कर पेन, तो मारने से लग जाएगी. बोलो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताओ. याद नहीं है ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे काम कर रहा होगा. जनरंजन क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, रीमा ना क्या था, रिम्पी कौन बोलेगा. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. भाई यहाँ पे अगर मेरा एक कॉयल है और इसके थ्रू करंट पास होता है, वो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है और वो दूसरा कॉयल से लिंक होता है ना. सो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लिखो. अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या है, एनीवन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भूल गया. जय श्री जनरंजन. लिखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लिखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is a relative change, relative change
इन स्पेस और टाइम व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन स्पेस और टाइम बिटवीन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ए सेट ऑफ कंडक्टर्स एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. क्या बोला फिर से बोलो. वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव चेंज और रिलेटिव वेरिएशन इन स्पेस और इन टाइम. इस बात को समझना क्या बोल रहा हूं कि रिलेटिव वेरिएशन इन स्पेस और रिलेटिव वेरिएशन इन टाइम बिटवीन व्हाट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स देन देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स. ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये रिलेटिव वेरिएशन इन स्पेस और रिलेटिव वेरिएशन इन टाइम इसका क्या मतलब होता है. रिलेटिव वेरिएशन, रिलेटिव वेरिएशन तो समझ में आ रहा है कि भाई पकड़ लो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है. हमने डीसी मशीन सभी किया है. डीसी मशीन में क्या था, फील्ड मेरा स्टैटिक था, कंडक्टर क्या था, मोशन में था, है ना. तो फील्ड स्टैटिक, कंडक्टर इन मोशन, तो वो हो गया कौन सा वेरिएशन, स्पेस वेरिएशन. कि फील्ड स्टैटिक है, कंडक्टर स्पेस पे वेरी कर रहा है. इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्पेस में कुछ वेरी कर रहा है क्या, नहीं वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स चाहिए हमको. कि फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होना पड़ेगा. फ्लक्स अगर ऑल्टरनेटिंग नहीं होगा, फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा, इसके अंदर फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी, है कि नहीं. पहले भी एक क्लास लिया था मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, है ना, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइप के होते हैं. दो टाइप के होते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखने को मिल रहा है. जनरेटर में या मोटर में क्या हो रहा है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिल रहा है. समझ में आ रहा है बात. सो यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बेस्ड है ना. सो फिर से एक बार बोलो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो. कि व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव चेंज इन स्पेस और इन टाइम बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ए सेट ऑफ कंडक्टर्स देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स. उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है कि नहीं. क्लियर भाई, ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा और समझते हैं ताकि आप लोगों को ना इसका जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो. देखो अल्टीमेटली हर एक चीज इसी चार्ज का ही खेला होता है ना. किसका खेला होता है, चार्ज का खेला होता है. तो यहां पे पकड़ लो चार्ज रखा हुआ है. हमको पता है चार्ज कहाँ पे, हर एक मैटर के इनसाइड में एटम्स होते हैं. एटम्स के अंदर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस होते हैं. पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन्स बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना. अब बात यह है कि ये जो चार्ज है ना हमारे अंदर, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो तो वाइब्रेट कर रहा है, हम लोग बोलते हैं वो घूम रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल. हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्लेनेटरी मोशन पे है. एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, उसका कोई फिक्स पोजिशन नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है, बट अगर मैं बोलूँ कि ये जो चार्ज है ना
उस जगह पे ये चार्ज स्टैटिक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो हमने देखा है कि उस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है ना। कैसे पता चला कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है? क्योंकि हमने जब कोई एक दूसरा चार्ज इसके करीब लाने की कोशिश की तो हमने देखा या तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। स्पेस में हमने देखा अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है कि नहीं? अब अगर ये अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है, इसका मतलब कुछ तो है जो इनके बीच पे जो फोर्स लगाता होगा एक दूसरे पे, कोई चीज तो होगा। तो ये जो चीज है उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल रहे हैं, क्योंकि वो चार्ज अभी स्टैटिक कंडीशन पे है। समझना बहुत बढ़िया से, क्योंकि ये सारी बातें आपको कहीं एक जगह पे एक साथ नहीं मिलेगी और कंफ्यूजन हमेशा रहता है। अब समझो कि चार्ज तो कहीं पे भी हो सकता है, इस बोर्ड पे ये जो हमने लिखा है, ये जो इंक को ये बोर्ड जो पकड़ के रखा है, कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बीच पे, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चार्ज क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ फील्ड बनाए हुए है, और ये फील्ड एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एफ इज इक्वल टू, बोलो, क्यू एन वन डी फाइव आई ओ ये क्यू टू तो बाई क्यू वन जी क्यू टू टू बाय फोर फोर बाय का एप्सिलॉन आर एप्साइलन स्क्वायर एप्साइलन आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगाता है भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब स्टैटिक कंडीशन में। अब यही चार्ज जब नॉर्मली तो चार्ज स्टैटिक ही है, हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये चार्ज किसी एक मटेरियल के अंदर ही होगा, सरफेस पे होगा, है ना, कंडक्टर है तो सरफेस पे ही होगा, चार्ज सरफेस पे है और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहा है, नेट रिजल्टेंट जीरो फोर्स। हमने क्या किया, हमने ईएमएफ क्रिएट किया, दोनों साइड में ईएमएफ लगाया। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक फोर्स केमिकल इफेक्ट से, हमने यहाँ पे बैटरी बना के एक केमिकल इफेक्ट से एक फोर्स क्रिएट किया, और उस फोर्स के वजह से ये चार्ज अभी क्या होने लगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, हम बोलते हैं, है कि नहीं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे। जब ये चार्ज मूविंग हो गया तो क्या इफेक्ट दिखाएगा, व्हेन द चार्ज इज मूविंग तो क्या इफेक्ट आएगा, बोलो? स्टैटिक चार्ज, जब तक ये स्टैटिक है क्या दिखा रहा है मुझको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा है अपने चारों तरफ। अगर ये चार्ज मूविंग है तो क्या बनेगा, हाँ बोलो भाई, अगर ये चार्ज मूविंग है तो क्या बनेगा, क्या इफेक्ट दिखाएगा? जनरंजन, जय श्री, मूविंग चार्ज क्या इफेक्ट दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो अपने चारों तरफ। मूविंग चार्ज का मतलब क्या है, कि करंट का पास होना। चार्ज इन मूविंग मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट। और जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हम सबको पता है।
ये फील्ड कौन बना रहा है? मूविंग चार्ज बना रहा है ना, समझ में आया? सो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस, लिख के रखो, लिख के रखो, ये सब बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट्स है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग जानते हो, हैपजार्डली जानते हो, लिंक लगाना नहीं आता है आप लोगों को। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म होने वाला है नहीं ना, एक चार्ज है उसके चारों तरफ, एक चार्ज है और उसके चारों तरफ जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो तो खत्म नहीं होगा, वो उसी फील्ड के साथ ही मूव कर रहा होगा। फील्ड उसका थ्री डायमेंशनल स्पेस पे चारों तरफ है ना, और उसी से मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ, तो वो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है। समझो ये फोर्स का खेला है, एक जिस डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है सेम प्लेन पे, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है वो हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसलिए बात करना जरूरी है ताकि आप लोगों को याद रहे चीजें। अगर वो स्टैटिक चार्ज है तो जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का वैल्यू होता है Q1 Q2 by 4 pi epsilon R² और एप्साइलॉन का वैल्यू होता है एप्साइलॉन नॉट इंटू एप्साइलॉन आर, होता है ना? एप्साइलॉन का मतलब होता है, एप्साइलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, और एप्साइलॉन का वैल्यू होता है एप्साइलॉन नॉट इंटू एप्साइलॉन आर, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब बात यह है कि अगर फोर्स लगाता है कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ, तो उसका फील्ड का किसी भी एक पॉइंट पे, उसका फील्ड का किसी भी पॉइंट पे उसका एक अपना इंटेंसिटी होगा, कि फोर्स लगाने का वो उसका एक अपना क्षमता होगी, और वो फोर्स डिपेंड करेगा कि यहाँ पे और कितना चार्ज रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो एग्जैक्टली वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा। समझना बात को, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर चार्ज के वजह से कि स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पे कितना फोर्स वो लगा सकता है, उस पर्टिकुलर चार्ज का क्या क्या कैपेसिटी है? तो उसको हम डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया फील्ड इंटेंसिटी। ये जो फील्ड है उस फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी वर्ड तो समझ में आता है कितना ज्यादा है कितना कम है ना, तो हम बोल रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है? तो फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर करें, कैसे पता लगाए कि यहाँ पे कितना फील्ड है, उसके लिए हमने आइडिया लगाया, क्योंकि हमारे पास कोलम्स लॉ है। ये कौन सा लॉ है? कोलम्स लॉ है। तो कोलम्स लॉ है तो हमने बोला कि सर एक काम करते हैं, क्यू टू जो है ना उसको 1 कोलम बोल देते हैं। क्यू टू को कितना बनाते हैं? 1 कोलम। तो 1 कोलम चार्ज पे कोई भी दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है वही उस पॉइंट पे उस चार्ज का इंटेंसिटी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि थोड़ा लंबा लंबा लाइन है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई एक स्टैटिक चार्ज जब होता है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वो अगर फील्ड बनाता है तो उसके हर एक पॉइंट पे स्पेस में
उस फील्ड के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगा उसका, कि फोर्स लगाने का उसका एक अपना क्षमता होगी। वी आर इंटरेस्टेड टू नो द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड दैट फील्ड। जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो हम इसको मेजर कैसे करें, कौन सा डिवाइस है मेरे पास। तो हमने बोला एक काम करो, यहां पे ना एक टेस्ट चार्ज रख दो। क्या रख दो? एक टेस्ट चार्ज रख दो। तो हम एक टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच पे फोर्स कितना है। वो कैलकुलेशन से आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन से आ जाएगा? कि हम बोल रहे हैं कि भाई क्यू जो है ना टेस्ट चार्ज, उसका वैल्यू को मैं वन कोलम बोल देता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वन कोलम निगेटिव नहीं ले रहा है, टेस्ट चार्ज को कैसा ले रहा है? वन कोलम को हम बोल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, निगेटिव चार्ज नहीं ले रहे। समझना बात को। जब मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस चार्ज, ये चार्ज जो है वो इसके ऊपर कुछ एक फोर्स लगाएगा। है कि नहीं? तो हम बोल रहे हैं कि क्यू वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² तो यहाँ पे वो चार्ज रखा हुआ था जितना भी चार्ज है, और मैं इससे कुछ एक डिस्टेंस r पे अपना टेस्ट चार्ज रख के यहाँ पे इसका फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और फिर बोल रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज जो है वो वन कोलम का है, तो ये अगर वन कोलम हो जाता है ना टेस्ट चार्ज मेरा, तो यही तो मेरा इंटेंसिटी हो गया इस पॉइंट। दैट इज द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझ में आया? इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स, इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर एवरीवन? सो ई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एफ अपन क्यू। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वन कोलम चार्ज आपको मिलेगा नहीं कहीं पे रखने के लिए। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वन कोलम चार्ज कहाँ मिलेगा? वन कोलम चार्ज मतलब कितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? वन कोलम चार्ज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स? वन कोलम चार्ज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जैसे हाँ, तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो क्लासेस था उस वो नहीं देख रहा है, ठीक है? यू पीपल आर इग्नोरिंग, मैं बोल रहा हूँ, डेंजरस हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सारी चीजें मेमोरी में डालने के लिए मैंने हजार बार रिपीट किया है वो सारी बातें, और हजार बार रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि वो चीज जब तक देखो, ये सारी बातें ऐसा है ना, ये जो और एक कोलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये सब ऐसा है कि ए बी सी डी है। सर अगर आप 6.232 10 to the 18 10 to the 18 एग्जैक्टली, कि ये चीजें बार बार रिपीट करने का पीछे का कारण एक ही है कि जब तक आपको ये सारी बातें याद नहीं रहेगी ना, आप बाकी चीजें नहीं समझ पाओगे, समझ के भी नहीं समझ पाओगे। सो वन कोलम चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? अरे यार, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम, है ना? सो वन कोलम इज इक्वल टू कितना? 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, और इसको अगर कैलकुलेट करेगा 1 बाई 1.6, इट विल बी कमिंग एज 6.232 × 10⁻¹⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 10⁻¹⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज, और वो एक कूलम चार्ज हमको कहीं पे मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ एक चार्ज रख देंगे और फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसी चार्ज से जितना, सपोज 10 कूलम 20 कूलम आपने रखा था, उससे डिवाइड कर दो तो आपका इंटेंसिटी मिल गया। मतलब वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना फोर्स लगा रहा है। अब इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ गया है ना रिम्पी? समझ में आया कि इंटेंसिटी, जब आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड
या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या समझाने की कोशिश करते हैं, क्या समझ में आता है हमको कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये इतना फोर्स लगाएगा, वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो फील्ड इज एफ अपन क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको क्या बोलते हैं, फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। सिमिलरली जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं, लिख लो लिख लो, मैग्नेटिक हो गया ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं, देखा बहुत सारा चीज एक साथ होता जाएगा ठीक है। जब हम मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं कि पकड़ लो यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है M1, यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है M2, तो हमको पता है इन दोनों पोल के बीच में भी फोर्स लगते हैं। अगर सेम पोलारिटी का होंगे तो रिपल्शन, ऑपोजिट पोलारिटी होगा तो अट्रैक्शन। पकड़ लो ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, रिपल्शन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अट्रैक्शन होता है ना। तो इनके बीच का जो फोर्स है ना वो कितना होता है, वो भी सेम इसी टाइप का होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है FM, दिस विल बी M1 M2 डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो 4 पाई क्या होगा, 4 पाई एप्साइलन तो परमिटिविटी है, म्यू, फोर म्यू पाई म्यू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और ये म्यू को हम क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी। पार्टी एग्जैक्टली परमियाबिलिटी, एप्साइलन इज परमिटिविटी, म्यू इज परमियाबिलिटी। और सेम है आपका म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, नॉट म्यू म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द परमिटिविटी मीडियम एयर एयर और वैक्यूम। मीडियम नहीं, एयर एयर और यस वैक्यूम। एग्जैक्टली, तो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो एक सवाल बहुत आसान सा सवाल है, आजकल नहीं पूछता है, पहले बहुत पूछता था, आजकल सबको पता हो गया है इसलिए, कि रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना होगा, फिर भी ये आंसर नहीं वन पता। ओके ठीक है, रिलेटिव वन परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम बताओ कितना है, कितना होगा, वन कहाँ वन से मिला, रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम बताओ। अरे रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना होगा, म्यू नॉट बाय म्यू नॉट हो जाएगा ना। रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना होगा, म्यू बाय म्यू नॉट, तो इट विल बी म्यू नॉट बाय म्यू नॉट वन। सो रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम इक्वल टू वन, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज ऑल्सो वन। ये तो म्यू नॉट बाई म्यू नॉट या फिर एप्साइलन नॉट बाई एप्साइलन नॉट ही आएगा ना। क्या म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर कितना होगा, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट होगा है ना, सो इट विल बी वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट,
एवरीवन, किसी को डाउट या कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो ये इतना सर आसान चीज नहीं है जितना आसान से मैं तुम लोगों को सिखा दे रहा हूं। सर 6 महीना पढ़ोगे ना तब भी याद नहीं होगा, इधर से इधर डमाडोल करता रहेगा, 110% गारंटेड याद ही नहीं रहेगा। सर हाँ बोलो। सर ये पर्मिटिविटी और परमीबिलिटी के बारे में समझाइए सर। परमिटिविटी और परमियाबिलिटी एग्जैक्टली है क्या चीज। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो चार्ज को जब मैं यहां पे रख रहा हूं है ना, और बोल रहा हूं कि दूसरा कोई चार्ज अगर आता है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। अब ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स हर जगह पे क्या सेम होगा? नहीं होता है। एयर में कुछ डिफरेंट होता है, मेटल के अंदर कुछ डिफरेंट होता है, इंसुलेटर के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। मतलब क्या, उसका जो फील्ड है, एक चार्ज रखे हो उसका जो फील्ड है, उस फील्ड का जो प्रोपागेशन है, उस प्रोपागेशन को लिमिट कौन कर रहा है, कौन से मीडियम पे वो है उसके ऊपर वो लिमिट हो रहा है उसका फील्ड, है कि नहीं? तो ये मीडियम कौन से मीडियम पे है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मीडियम इसको प्रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस मीडियम पे ज्यादा होगा कम होगा कैसे पता लगाए? तो उसी के बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला डेवलप किया गया, कूलम्ब्स लॉ। और Q1 Q2 तो हो गया चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि ये R² से वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² क्या चीज, जो फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर। और किस चीज पे वेरी कर रहा है? कि हमने देखा भाई हर जगह पे तो इतना फोर्स नहीं मिलता है। मैं अगर दो चार्ज को रख रहा हूं और किसी एक कंडक्टर के अंदर रख रहा हूं तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, मैं जब इसको एयर में रख रहा हूं कम लग रहा है, इंसुलेटर पे रख रहा हूं लग ही नहीं रहा है। तो इस टाइप से देखा हमने, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने बोला 4 पाई मतलब क्या, पूरा का पूरा स्फेयर। एप्सिलॉन मतलब क्या, उस पार्टिकुलर मीडियम को हमने कंपेयर किया कि ये एयर से ज्यादा होगा इसमें कि कम होगा। सो इट इज अ रिलेटिव टर्म, इसीलिए हम लोग रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन। आप समझ में आया कि कितना इजीली वो फोर्स लगा सकता है या फिर नहीं लगा सकता है, उस मीडियम का कैपेसिटी क्या है, वो चीज हमको बताता है परमियाबिलिटी या फिर परमिटिविटी। क्लियर दिस मच? इज इट ओके शांति नाउ? तो ये एक रिलेटिव टर्म है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कि कितना फोर्स लगाता है भाई, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। एप्साइलन नॉट का वैल्यू बताओ। 8.854 × 10²-12 -12 फेराड पर मीटर, फेराड पर मीटर मतलब फेराड किसका यूनिट है, फेराड किसका कैपेसिटी यूनिट है, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस पर लेंथ, पर मीटर बोल रहे हैं मतलब यूनिट लेंथ पे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, तो वो मीडियम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो चीज बता रहा है। सिमिलरली मेरा परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मीडियम को डिफाइन करता है कि उसके अंदर कितना फ्लक्स जनरेट होगा, कितना ये होगा, वो चीज दर्शाता है परमियाबिलिटी। हायर परमियाबिलिटी है कि लोअर परमियाबिलिटी, इज कितना है उसमें फ्लक्स फ्लो करने का। म्यू नॉट का वैल्यू बताओ। म्यू नॉट इक्वल टू 4π × 10²-7 4π × 10⁻¹⁷ सेवन यूनिट वेबर पर एम्पियर वेबर पर एम्पियर और हेनरी वेबर पर, पर हेनरी पर मीटर हेनरी पर मीटर। हेनरी किसका यूनिट है? हेनरी किसका यूनिट है? क्या इंडक्टेंस है ना, सब फेराड हो गया, कैपेसिटेंस ये बता रहा है, इंडक्टेंस समझ में आ रहा है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चीजें अलग नहीं है, ये दो फोर्स है जो नेचर में चार्ज लगाता है परपेंडिकुलर प्लेन पे।
समझ में आ रहा है? दो फोर्स है जो फोर्स की बात करते हैं हम लोग। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ एक तो आइडिया आ गया है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई अगर चार्ज स्टैटिक है तो एक चार्ज रखा हुआ है जब, और दूसरा कोई चार्ज नहीं है उसके चारों तरफ, तब भी वो अपना एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड का इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से कि एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। और इंटेंसिटी अगर बोलेंगे तो एफ बाई क्यू कर देते हैं, तो एफ बाई क्यू करने से ये क्यू विल बी इक्वल टू 1 कोलम, क्यू से डिवाइड कर दिया मतलब क्या हो गया, क्यू इक्वल टू 1 कोलम हमने पकड़ लिया, तो q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर ये बनेगा मेरा फील्ड इंटेंसिटी। क्या बन जाएगा ये? या फोर्स हो जाएगा मेरा फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कौन से सिंबल, क्या सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई, मैग्नेटिक फील्ड मतलब, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। एच को भी हम डिफाइन कर सकते थे कि भाई एफ जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए एक पोल दूसरे पोल के ऊपर डिवाइडेड बाय एक टेस्ट पोल रख दो, उससे आप डिवाइड कर दो, है ना? तो 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल पे कितना फोर्स लगाएगा वो होगा मेरा फील्ड का इंटेंसिटी, फील्ड का इंटेंसिटी। और किस पे डिपेंड करेगा, कौन से मीडियम पे है वो फील्ड उसके ऊपर डिपेंड करेगा परमियाबिलिटी, है कि नहीं भाई? तो m1 m2 बाई 4 पाई म्यू r स्क्वायर ये होता मेरा मैग्नेटिक फील्ड। एम आई क्लियर? बट दिक्कत क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में? दिक्कत यह है कि हमको ना यूनिट पोल कहीं पे मिलेगा नहीं, आइसोलेटेड पोल कहीं पे मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? आप एक मैग्नेट को तोड़ दो, क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा। एक बार और तोड़ दो, फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा। मॉलिकुलर लेवल पे चले जाओ तब भी एक साइड नॉर्थ पोल होगा तो दूसरे साइड साउथ पोल होगा। सो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज आर इन डाइपोल, मैग्नेटिक पोल्स आइसोलेटेड नहीं मिलते हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड मिल सकते हैं, मैग्नेटिक पोल्स आइसोलेटेड नहीं मिलेंगे। तो हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। तो मोनोपोल जो है ना मैग्नेट का, वो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने कैसे निकाला? हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई किसी भी एक चार्ज पे ना, मूविंग चार्ज पे अगर किसी भी एक मूविंग चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना, सपोज मैं फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बी, और एक मूविंग चार्ज है, कितना है मूविंग चार्ज क्यू, इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस मूविंग चार्ज पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा, कितना आता है वो फोर्स? BL, E is equal to BL भी। अरे एल कहाँ है यहाँ पे, एल तो ही नहीं, मैं एक चार्ज की बात कर रहा हूँ। एक चार्ज हमने रख दिया क्यू चार्ज, और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स डेंसिटी। तो फोर्स कितना लगेगा? एफ इज इक्वल टू B2B. क्यू वी क्रॉस बी, इतना लगाएगा, मतलब क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू बी वी
साइन थीटा। तो किसी भी एक चार्ज पे ना जो फोर्स लगाता है, चार्ज जब मूविंग है, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्टैटिक है तो वो एक अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू किया तो वो अपना जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, जिस डायरेक्शन पे मूव करेगा, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन आएगी। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जो चार्ज है, एक चार्ज अगर क्यू है और वो अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मूव करता है तो जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज क्यू बी वी साइन थीटा। अब अगर अगर वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड फील्ड 90 डिग्री में हो तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होने से मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो मुझको फोर्स जो मिलेगा वो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा और वो होगा क्यू बी वी। और अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो फोर्स जो होगा वो मिनिमम होगा एंड इट विल बी इक्वल टू 0 sin 0 0। ठीक है, इसीलिए ना, इसीलिए आपका जो मशीन है, जब आप मशीन पढ़ते हो और जो कंडक्टर आप मूव कराते हो उसका जो बैक साइड का जो आपका कनेक्शन होता है उसमें क्यों फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन में रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0 तो वो कोई फोर्स लगा ही नहीं पाता है चार्ज के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स ही नहीं लगाता है। समझ में आया? इसलिए ईएमएफ ही नहीं बन रहा है वहां पे। रिलेट कर पा रहे हो सब कुछ? हाँ भाई। तो ये फोर्स देखो, दो फोर्स की बात की हमने, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्स अगर मोनोपोल के हिसाब से देखे तो M1 M2 / 4 पाई में ये याद रह जाएगा, Q1 Q2 / 4 पाई ε0 R2। ये वही फोर्स, उसी टाइप का फोर्स है जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, F इजिकल टू M1 M2 / क्या था, D2। न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ कि धरती है चांद है उसके बीच पे कितना फोर्स लग रहा है। तो सेम टाइप, सिमिलर टाइप, Q1 Q2 / R2, M1 M2 / R2, M1 M2 / D2। अब बात कर रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी है ना, उस इंटेंसिटी को निकालना चाहता था मैं इसका, लेकिन नहीं निकाल पाया क्योंकि मोनोपोल मुझको मिला नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर चार्ज को मूव करा देना, करंट फ्लो करा है। चार्ज मूव मतलब क्या है? चार्ज का मूवमेंट मतलब करंट का फ्लो। सो करंट अगर फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ हमको पता है कंडक्टर में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो एक फोर्स जनरेट होगा। और वो फोर्स अगर चार्ज है क्यू तो क्यू बी भी साइन थीटा इतना फोर्स लगाता है ना। अब चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो फोर्स कितना था? क्यू इंटू ई। अगर ई उसका फील्ड इंटेंसिटी है और चार्ज अगर क्यू है तो क्यू इंटू ई उसका फोर्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा? फोर्स बाई क्यू इक्वल टू इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? क्यू इंटू ई प्लस ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा रहा है? क्यू इंटू बी वी क्रॉस बी, है ना। ये हो गया इसका मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही तो है मेरा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? क्यू ई प्लस क्यू बी वी। समझ में आया? अब देखो,
इसको रहने देते हैं यहाँ। अब देखो, हमने बोला फोर्स इक्वल टू क्यू बी वी, और थीटा को मैं 90 डिग्री पकड़ लेता हूँ, ठीक है। हम इस तरीके से रखे कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्लेन में सब कुछ मूवमेंट है, ओके। सो क्यू बी वी होगा, सो आपका फ्लक्स डेंसिटी वी बी इज इक्वल टू व्हाट, एफ बाई क्यू इंटू बी होगा, एफ बाई क्यू इंटू बी। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताओ, बी का यूनिट क्या होता है? बी का यूनिट बताओ। फ्लक्स डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं ना, बी इज इक्वल टू दिस मच, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हर जगह पे, हर मशीन के हर कॉर्नर पे आपको यूज करना है, ट्रांसफॉर्मर में हर जगह पे, मैं उसमें भी यूज किया हमें। बी का यूनिट बताओ क्या था रहे? बी मतलब क्या है? वेबर बी क्या, बी को क्या बोलते हो आप? फ्लक्स डेंसिटी बोलते हो ना, फ्लक्स डेंसिटी। और अगर फ्लक्स डेंसिटी है तो बी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया, फ्लक्स पर एरिया। फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया मीटर स्क्वायर। सो कितना हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट में? टेस्ला। टेस्ला। दिस इज इक्वल टू योर टेस्ला। देखो बाकी सारा यूनिट तो मोटा मोटी याद रहता है, लेकिन यहां पे आके आप कंफ्यूज होते हो, हेनरी क्या हो गया, टेस्ला क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर कब बोल रहे हैं? हाँ अब देखिए, यहां से देखो, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, बी का यूनिट क्या बोला हमने? वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला को फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन चार्ज का यूनिट होता है कूलम। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर हम देखें तो न्यूटन और कूलम पर सेकेंड हो गया ना, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड क्या है? करंट एम्पियर एम्पियर। चार्ज पर टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज क्या रे? कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर। 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। सो कूलम पर सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर मीटर। सो 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स व्हेन 1 कूलम, 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू 1 मीटर लेंथ होगा। तो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इज इक्वल टू 1 टेस्ला। टेस्ला का बात ही कर रहे हो तो फिर टेस्ला का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट में टेस्ला बोलते हो, सीजीएस यूनिट में गॉस। सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं हम इसको? गॉस बोलते हैं ना। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस। ठीक है।
हो गया। अब यहां से देखो एक चीज, यहां से एक चीज, क्यू चार्ज, चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट इनटू टाइम, करंट इक्वल टू चार्ज पार्ट टाइम ना, करंट इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। सो चार्ज को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जाता है, करंट इनटू टाइम, है ना। करंट होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज डिराइव क्वांटिटी पकड़ते हैं कि कोलोम सेकंड, सॉरी एम्पियर सेकंड, वन कोलोम इक्वल टू वन एम्पियर सेकंड। तो यहां पे अगर क्यू को मैं रिप्लेस करूं, देखना क्या निकल के आता है, आई इंटू टी बी इंटू वी, और वी जो है ना वेलोसिटी है। पकड़ लो मेरा लेंथ, ये जो चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज तो खाली जगह पे तो मूव करेगा नहीं भाई, एक कंडक्टर के अंदर पकड़ रहा हूं, उस कंडक्टर का लेंथ मैं ले रहा हूं एल, एल लेंथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। सो इसका वेलोसिटी कितना होगा, अगर टी टाइम पे मूव कर रहा है तो एल बाई टी, एल लेंथ अगर टी टाइम पे मूव करता है तो कितना होगा, वी इज इक्वल टू एल बाई टी। तो वी के जगह पे मैं लिख दू एल बाई टी, ये टी और टी जाएगा कट्टा, कितना निकल गया, वी आई एल, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, मिला था मैक्सवेल्स लॉ। अब एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा होता है ना, अब थीटा तो हमने 90 डिग्री ले लिया है, तो साइन थीटा होता है तो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए था, यहाँ पे था एफ क्यू बी भी साइन थीटा था ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा, सो ये भी होता साइन थीटा, हाँ 90 डिग्री पकड़ा, इसीलिए हमने बिल बोल दिया मैक्सिमम। तो अगर चार्ज के हिसाब से आप फोर्स को डिफाइन कर रहे हो तो फिर इट विल बी क्यू बी वी, कि चार्ज का वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे है, हाँ कौन से फील्ड पे है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है वहां पे, और कितना चार्ज मूव कर रहा है उतना फोर्स लगाएगा। अगर करंट के बेसिस पे हम बोल रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, और कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पे रखे हुए हो। अब रिलेट करो, जब हमने डीसी मशीन बनाया था और इसमें जब हमने यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ था, एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे रखा था ना, दो कंडक्टर रखे थे, एक नॉर्थ पोल के अंडर में आएगा एक साउथ पोल के अंडर में आएगा, और वो कंडक्टर एग्जैक्टली कितना लंबा है, इतना इतना लंबा है, और उसको हमने फिर ओवर एंड से कनेक्ट कर दिया था, ऐसा था, और ये ऐसे घूम रहा था 90 डिग्री पे। क्यों 90 डिग्री पे घुमाया, ताकि साइन थीटा बिकम्स वन, सो मैक्सिमम फोर्स मिले मुझको यहाँ पे, गेटिंग माई पॉइंट। तो मोटर होता तो मैक्सिमम फोर्स मिलता आपको यहाँ पे, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। ये जो करंट इसके अंदर से जा रहा है, जब हम मोटर की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमने यहाँ पे ईएमएफ लगाया और करंट जो है वो इससे ऐसे जाके ऐसे आ रहा है करंट, और जब करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से तो हम बोलते हैं इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, या फिर हम बोलते हैं कि व्हेन एवर देयर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स इक्वल टू बी आई एल इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। होता है वो फोर्स क्यों लगता है, व्हाई दिस फोर्स इज अप्लाइड, बिकॉज चार्ज जब मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, उस फील्ड के कारण ये। अब रिलेट कर सकते हो सारा चीज, पहला चीज क्या दिमाग में आया, करंट क्या है भाई, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्ज क्या है, एक एक चीज करके रिकॉल करते हैं, चार्ज क्या है,
चार्ज यूनिवर्स में प्रेजेंट है, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, चारों तरफ निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हो, निगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज है जिससे मेरा लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल के आ रहा है। निगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं? निगेटिव चार्ज वो चार्ज है जिसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जा रहा है। इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को और सिमिलर पोलैरिटी रिपेल करता है। जब चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, कहीं पे किसी एक मीडियम पे खड़ा हुआ है चार्ज, तो वो अपने चारों तरफ इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन r² कूलम्ब्स लॉ। उस फॉर्मूला से हम उस पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड पे कितना इंटेंसिटी है वो निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू करके, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू करके किसी भी फील्ड में इंटेंसिटी कितना है वो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? वही चार्ज स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा है चारों तरफ, और जब मूव करने लगता है तो अपने चारों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। तो जब दो ही फोर्स लग रहा है, एक फोर्स उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, एक फोर्स लग रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब वो मूव करने लगा अब हम बोल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है? तो वो फील्ड हो गया क्यू इंटू ई, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगा रहा है वो हो गया क्यू बी भी, भी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स लगाया, और इन दोनों का समेशन को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। सो चार्ज का फ्लो होना मतलब क्या है? चार्ज का फ्लो होने का मतलब ही है करंट का फ्लो होना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज मोर इलेक्ट्रिक करंट। तो ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था और हमको दिखाया था, फ्रॉम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमको दिखाया था कि जब कभी भी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओरस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिस, और हमने यहाँ पे फोर्स बना के दिखाया कि कितना फोर्स लगा रहा है। क्लियर? एवरीथिंग यू कैन नाउ कोरिलेट नाउ कि अगर फोर्स करंट पास करता है, फील्ड बनाता है, और वही फील्ड को फिर से अगर कोई कंडक्टर काट रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि उस फील्ड, उस कंडक्टर के थ्रू जितना करंट पास होगा ना, आई करंट अगर पास हो रहा है, और इसी कंडक्टर को अगर हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फील्ड रख के उस फील्ड पे रख दे, तो कितना फोर्स लगेगा? BIL फोर्स लगेगा। जरूरी नहीं है हमेशा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा। लेकिन हम जब मशीन्स बनाएंगे तो हम चूज करेंगे ताकि हमारा कंडक्टर और फील्ड 90 डिग्री पे रहे, 90 डिग्री पे रहे। पोल्स ऐसे खड़ा होगा तो कंडक्टर ऐसे प्लेस करेंगे, और कंडक्टर ऐसे मूव नहीं करेगा, कंडक्टर कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई बोलो। एम आई क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड। आप बहुत अलग नहीं कर सकते हो, बहुत अलग से सोचने की जरूरत भी नहीं, ठीक है?
अब क्या बात है कि हमने यहाँ पे शुरुआत पे हमने देखा कि हम लोग पढ़ने वाले थे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है इसका मतलब इसके अंदर क्या है, चार्जेस है। तो जो चार्ज, दो चार्जेस आर फ्री टू मूव, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। इंसुलेटर को रख के घुमाने से तो करंट आएगा नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, है ना। तो अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। वो अपना पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ के, लेकिन वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया अभी बोलते बोलते, और एक इंटरेस्ट, अभी क्या बोल दिया मैंने कि फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो अगर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, पकड़ लो ये एक कॉपर का तार है हा? और उस पे मैंने हाथ लगाया और इसमें करंट जा रहा है, तो मेरे अंदर से तो करंट जा रहा है, तो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या अपना बाउंड्री, जो इस बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं आ सकता है, हम बोल रहे हैं। फिर अगर मैं टच कर रहा हूं तो फिर मेरे अंदर तो आ रहा है ना, शॉक मार रहा है ना, करंट तो फ्लो हो रहा है, फिर कैसे हो रहा है। यहां पे वो कॉन्सेप्ट काम में आता है कि फील्ड प्रोपागेट कर रहा है, कि वो फील्ड फील्ड प्रोपागेट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन फिजिकली आना जरूरी नहीं है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर हमने रख दिया तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो हैपाजार्डली मूव कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट इज जीरो। लेकिन अगर हमें इस कंडक्टर को घुमा दूं तो उसका हर एक जो आपका क्या कहते हैं, कंडक्टर को जब मैं घुमा रहा हूँ तो ये जो चार्ज यहाँ पे, तो स्टेटिक चार्ज मैं पकड़ सकता हूँ ना इसके अंदर, वो सारे चार्जेस क्या होंगे, एक साथ एक ही वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये कंडक्टर मूव करेगा, इस फील्ड फील्ड को काटेगा, वो सारे चार्जेस भी तो उसी फील्ड को काट रहा है। तो फील्ड के हिसाब से अगर देखोगे तो चार्जेस का वेलोसिटी आया कि नहीं आया, और चार्ज का अगर वेलोसिटी आता है तो क्यू बी भी इतना फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी का, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज टू वन फ्रॉम टू अदर। तो यहां पे जब मैं फोर्स अप्लाई कर पा रहा हूं, मोशन की वजह से फोर्स हो रहा है, तो सिमिलरली उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ सकता है। करंट अगर पास कराऊं तो फिर यहाँ पे फोर्स क्रिएट होता है, तो फिर भाई अगर मैं मोशन फोर्स लगाऊं तो करंट आ सकता है, फेराडे वही बोल रहा है। अब फेराडे क्या बोल रहे हैं कि भाई देयर शुड बी एन रिलेटिव मोशन, या तो फील्ड चेंज करो या फिर कंडक्टर को चेंज करो, या फिर दोनों ही चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चेंज हो, फील्ड भी मूव कर रहा है, कंडक्टर भी मूव कर रहा है, तब भी होगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं रिलेटिव मोशन। अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम एक ही साथ घूम रहा है तो अब नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन विल बिकम जीरो, रिलेटिव मोशन विल बिकम जीरो। समझ में आ रहा है ना सारी बातें अभी। सो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर, और रिलेटिव मोशन किस बेसिस पे, या तो स्पेस के बेसिस पे या फिर टाइम के बेसिस पे। स्पेस के बेसिस पे होने से भी वेलोसिटी मिलेगा, टाइम के बेसिस पे होने से वेलोसिटी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को का मैग्नीट्यूड पकड़ लेंगे। और ये कौन सा लॉ था,
इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसका लॉ, कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, सेकेंड लॉ उसका मैग्नीट्यूड देता है, फिर हम लिखते हैं ई इक्वल माइनस एन डी फाई डी टी। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया और माइनस लेंस लॉ की वजह से आ गया, डायरेक्शन की वजह से। लेंस लॉ मतलब इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। सारा चीज मैंने घुमा घुमा के बताया। आई डोंट नो हाउ मच यू पीपल हैव गॉट और गैदर्ड इट। इसको लेके सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बोलो। हाँ भाई जुगल किशोर। हाँ सर, कैसा लगा? सारा चीज मिला? हाँ सर, सो थैंक यू। लिखो, इन ट्रांसफॉर्मर, इन ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर्ड पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टैटिक कॉइल टू अनदर स्टैटिक कॉइल। ड्यू टू रिलेटिव टाइम वेरिएशन, ड्यू टू रिलेटिव टाइम वेरिएशन ऑफ द स्टेशनरी कॉइल्स, ड्यू टू रिलेटिव टाइम वेरिएशन ऑफ द स्टेशनरी कॉइल्स, विथ रेस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड, विथ रेस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, induced alternating magnetic field, and this kind of induced EMF is called statically induced EMF. This kind of induced EMF is called statically induced EMF. नेक्स्ट पॉइंट लिखा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेट ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, ड्यू टू रिलेटिव स्पेस वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेट ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू रिलेटिव स्पेस वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड is called dynamically induced EMF.
डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस केस में देखने को मिल रहा है हमको? डीसी मशीन में। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पर देखने को मिल रहा है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये चैप्टर यहाँ पे पूरा बढ़िया से हमको समझ में आ गया किस तरीके से होता है, फोर्स कैसे लगता है ना, सारा चीज। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। हमको पता है भाई स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरीके का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड बताओ। एन डी फाई टी। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताओ। BIL सर इज BLV। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैं ऐसे लिख दूं L टू V क्रॉस B, या फिर मैं लिख सकता हूं BLV वेक्टर फॉर्म में। डायनामिकली ठीक है, ये हो गया उसका दोनों का मैग्नीट्यूड। अब बात आता है डायरेक्शन का। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तलबदार जैसे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? हाँ भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बोल रहा हूँ ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। जब कभी भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं क्या आता है? कौन सा लो? राइट हैंड, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो या तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या फिर राइट हैंड पाम रूल, है ना? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोल रहा था? कि तीन उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखो। हमने अभी अभी देखा है कि परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं। कौन कौन सा चीज भाई? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, इसको थंब बोल देता हूं मैं, थंब। थंब और मिडिल फिंगर, कौन सा क्या होगा? मोशन कौन सा? मोशन थंब। थंब। और आपका मिडिल फिंगर यह आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली
मोटर के केस पे हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते, फोर्स का डायरेक्शन निकालते, लेफ्ट हैंड रूल यूज करते, सेम फर्स्ट फिंगर फील्ड के तरफ ही रहता। जो मोटर में क्या होता, हम करंट देते तो मिडिल फिंगर आपका करंट का डायरेक्शन दिखाता और थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन देता, मतलब मोशन का डायरेक्शन देता। तो फिंगर्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ हैंड्स चेंज करने से एक जनरेटर हो गया, एक मोटर हो गया। और जनरेटर पहले आता है तो राइट हैंड, मोटर बाद में चलता है तो लेफ्ट हैंड, याद रहेगा। सेम चीज हमने राइट हैंड पाम रूल बताया था आपको। पाम रूल में क्या करना है, राइट हैंड बोलो, लेफ्ट हैंड बोलो, लेफ्ट हैंड से फोर्स निकालेंगे, राइट हैंड से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। राइट हैंड में क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल में, कि हथेली पे फ्लक्स को पकड़ना है। तो फ्लक्स निकल रहा होगा नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल के तरफ रहे मेरा हथेली, है ना। और जो मोशन होगा वो थंब देगा, मोशन थंब देगा। और जो फिंगर है वो फिंगर का डायरेक्शन क्या देगा, करंट का डायरेक्शन, मतलब इंड्यूस किया आपका डायरेक्शन। ओके, ये तो हो गया भाई डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डीसी मशीन में हम करके आए हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में डायरेक्शन कैसे मिलेगा, यहाँ पे तो मोशन है ही नहीं, तो मोशन नहीं है तो क्या करेंगे हम, लगाएंगे फोर्स। लेंस लो, पर लेंस लो बड़ा सिंपल सी बात है, वो इनर्शिया बताता है। इनर्शिया क्या चीज है, कि जो जिस पोजीशन पे वैसा ही रहना चाहता है, उसमें चेंजेस कहीं पे भी कुछ भी चेंज ना हमको बर्दाश्त नहीं होता है, कि चेंज नहीं चाहिए, आराम से बैठा हुआ ये बैठे रहने दो। तो चेंज करने की बात करेंगे तो ऑपोजिशन आता है, और यहाँ पे भी सेम। तो जिस जो कोज कोई एक चेंज लाता है, हम उस कोज को अपोज करते हैं, उस कॉज को अपोज करते हैं। तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस लगा देते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप नेटवर्क में भी आपको मिला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब इंडक्टर्स यूज करोगे, है ना। अगर आपका इंडक्टर है तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इंडक्टर को एक पैसिव एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो कि एक्टिव एलिमेंट की तरह। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो सप्लाई कर रहा है कि फिर वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। अगर एक इंडक्टर है और इसके थ्रू कुछ करंट पास होता है, और उस करंट के वजह से यहाँ पे फ्लक्स कट होता है, फ्लक्स लिंक होता है ना, और उसके वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होता है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होना है, जब करंट पास करने से के वजह से ही तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया ना। करंट पैसिव एलिमेंट में कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। करंट पैसिव एलिमेंट पे प्लस से माइनस की तरफ जाता है। तो हमने एक सोर्स लगाया होगा जिस सोर्स के वजह से इस इंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहा होगा, और वो करंट किस टाइप का होना चाहिए, एसी करंट होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग। जब ये करंट पास करेगा तो इसको ये एक फ्लक्स बनाएगा, और वो फ्लक्स वेरी होना चाहिए, वेरी होगा तब जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वेरी नहीं होगा तो इंस्टेंटेनियसली आएगा और फिर रुक जाएगा, डीसी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होता है तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होना है कि ये जो फ्लक्स फाई जो प्रोड्यूस हुआ ना इस आई करंट के वजह से, उस फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा, उस फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा। और ये क्यों रोकने की कोशिश करता है, वहां पे क्या कोई बैठा हुआ है क्या हमारे जैसा इंसान, नहीं, नेचर है। तो क्या होता है, जब करंट पास हो रहा है तो फिर उस मटेरियल का अंदर, उस मटेरियल के अंदर क्या है, डाइपोल्स है, सब मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर डाइपोल्स है ना। और ये इधर उधर हैपजर्डली है। जब करंट पास होता है तो ये सारे डाइपोल क्या होते हैं, वो एक डायरेक्शन पे आ जाते हैं, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे आते हैं, इसीलिए फ्लक्स बनता है इधर। तो ये जो मॉलिकुलर डाइपोल है वो जो चेंज होगा
उस चेंज को करने के लिए कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है, और ये मटेरियल चाहता है कि मैं अपना मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल तो एक डायरेक्शन पे मूव घूम रहा है ना, उस ऑपोजिट करना नहीं चाह रहा, समझ पा रहे हो। अब क्या है कि वो नहीं करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फ्लक्स फ्लो कराएगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्लक्स फ्लो कराना है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से एक करंट को भी पास कराना पड़ेगा, और उस करंट के वजह से ही यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जिसके वजह से ये करंट पास होगा। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन हमको अगर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैसिव एलिमेंट लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस, और देखेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से जो करंट आ रहा है, इंड्यूस करंट जो आ रहा है, वो इस रेजिस्टेंस पे किस डायरेक्शन से जा रहा है। और हमको पता है रेजिस्टेंस पे प्लस टू माइनस करंट जाता है, तो हम इस पार्ट को प्लस देंगे, इस पार्ट को माइनस देंगे, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हम क्या बोल रहे हैं, माइनस एन डी फाई, ये चीज उल्टा है। बोलो भाई, समझ में आया इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा? ओह वाओ, सो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, पूरा का पूरा क्लियर है ना। सो दो पॉइंट और लिखो, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज इज रिक्वायर्ड, फ्लक्स लिंकेज इज रिक्वायर्ड फॉर कौन सा ईएमएफ, लिंकेज किसमें चाहिए, फॉर स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स लिंकेज इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड फ्लक्स कट, एंड फ्लक्स कट इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर, फ्लक्स कट डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड फ्लक्स लिंकेज डायनामिकली में क्या होगा, कट करेगा ना, और फ्लक्स लिंक कर रहा है स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस पे। ओके, अब लास्ट पॉइंट करके छोड़ देंगे आज। ये तीन कॉइल मैंने एक ही मैग्नेटिक कोर पे लपेट दिया है, ठीक है, क्लियर। अब एक नंबर जो कॉइल है ना, इस पे मैं कुछ सोर्स लगाऊंगा, एक नंबर कॉइल पे एक सोर्स लगाऊंगा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पकड़ लो N1 है, इसका N2 है, और इसका N3 है। ये तीन मैग्नेटिक कोर, सॉरी मैग्नेटिक कोर के ऊपर तीन कॉइल लगाया है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगाया, एसी सोर्स E1 या फिर V1, सोर्स हमेशा V से दिखाते हैं, तो V1, एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट मैं पकड़ रहा हूं करंट जो है ना वो
वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इधर से घुस रहा है और इस टर्मिनल से निकल रहा है। तो करंट अगर ऐसे जाएगा, इससे ऐसे जाएगा, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, इन दोनों में कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है। इसमें ही सोर्स लगा है, तो करंट इसमें फ्लो करेगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, इससे जैसे ही इस डायरेक्शन पे करंट पास कर रहा है, उस फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ए होगा और टुवर्ड्स बी होगा। एमपी, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालते हैं फ्लक्स का डायरेक्शन, जैसे फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, पाम रूल। एनीवन, राइट हैंड थंब रूल, भाई कर्ल को आप करंट के डायरेक्शन पे रखो तो थंब जो है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स देगा। कर्ल को रख के राइट हैंड थंब, या फिर आप करंट के डायरेक्शन पे आप थंब को रखो तो जो कर्ल होगा वो मेरा फ्लक्स देगा। तो यहाँ पे कॉयल है तो यहाँ पे थंब को रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, रखने से एक ही चीज निकलेगा मेरा। आई कैन एक्सप्लेन कि इधर ही आएगा, ऐसे अगर रखेंगे तो, ऐसे रखेंगे तो आपका फ्लक्स जो है इस तरीके से घूमेगा, इंडिविजुअल यहाँ से निकल रहा होगा और इस तरफ घुस रहा होगा। फ्लक्स जो है इस कंडक्टर पे ऐसे इधर से निकल रहा होगा और इस साइड घुस रहा होगा, इसमें भी यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ पे घुस रहा होगा, इसमें भी यहाँ से निकल रहा होगा, इस साइड घुस रहा होगा। तो सारे के सारे साइड इधर से निकल रहा है और उधर जाके घुस रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा होगा फ्लक्स और ऐसे जाके, ऐसे जाके ऐसे घुस रहा होगा। तो जिधर से निकलता है फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, वो मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये मेरा साउथ पोल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। एंड फ्लक्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, इनसाइड अ बार मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बोलो। इनसाइड अ बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ टू नॉर्थ, बार मैग्नेट के अंदर फ्लक्स कैसा मूव करता है, साउथ टू नॉर्थ की नॉर्थ टू साउथ। अरे साउथ टू नॉर्थ भाई, नॉर्थ पोल किसको बोलते हो, नॉर्थ पोल उसी को ना बोलते हैं जिधर से फ्लक्स मेरा निकल रहा है, साउथ पोल उसको बोलते हैं जिधर से फ्लक्स आपके आपका अंदर जा रहा है। तो ये क्लोज सर्किट से फ्लो करेगा ना, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर, समझ में आया। क्या किया हमने, एक कॉयल लिया, एक सोर्स लगाया, एसी सोर्स है तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल रहा हूँ कि करंट का ये डायरेक्शन है, क्योंकि नेक्स्ट हाफ में इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो ये फ्लक्स भी रिवर्स होगा, समझ में आ रहा है। अभी इस इंस्टेंट पे करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ जो फ्लक्स है ना वो इस तरफ डायरेक्टेड है, तो ये फ्लक्स बनेगा 0 टू 5
धीरे धीरे बनेगा, मतलब उसके अंदर का सारा डाइपोल एक ही डायरेक्शन पे चेंज होगा, इधर आएगा, इस मटेरियल का अंदर का डाइपोल इधर मूव करेगा। जब कर रहा होगा तो फिर ये अपोज करने की कोशिश करेगा, जब अपोज करने की कोशिश करेगा इसका मतलब है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फाई डैश फ्लो कराना पड़ेगा, पड़ेगा ना, तब जाके ना इस फाई को अपोज करेगा। हाँ, जब फाई डैश इधर फ्लो करेगी इसका मतलब इंड्यूस फ्लक्स जो आया उसको लाने के लिए इस कंडक्टर या फिर कॉयल के अंदर उसको करंट पास कराना पड़ेगा। अगर करंट पास करता है तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा, उसका अगर फ्लक्स इधर है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड होना पड़ेगा, समझ रहे हो। फाई डैश के वजह से अगर आई डैश आता है तो वो आई डैश का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, मतलब आई को अपोज कर रहा होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, आई डैश अगर इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको देखने को मिलेगा E1। आई डैश के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आएगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलारिटी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलारिटी कैसा होगा, उसको देखने के लिए हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वर्चुअली, और उस रेजिस्टेंस में इंड्यूस करंट जो है ना वो किस डायरेक्शन पे आ रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा हो, है ना। सो रेजिस्टेंस के जिस तरफ करंट आके घुसता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिधर से निकलता है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना उसका पोलारिटी हम इस तरीके से मार्क कर देंगे, ये साइड पॉजिटिव है। क्या मेरी बात क्लियर है, तो ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलारिटी एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये कोयल N2, इसमें तो कोई सप्लाई नहीं जा रहा है ना, लेकिन उस ये जो फ्लक्स है फाई ये इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इस फ्लक्स फाई के वजह से N2 में चेंजेस आएगी, तो N2 क्या करेगा, वो इस फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा, तो वो भी अपना एक फाई डैश इस तरफ करने की कोशिश करेगा, है ना। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसको भी एक करंट पास कराना पड़ेगा, और करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड करंट आएगा तो इस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, अगर इस डायरेक्शन पे है तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 आएगा, उस E2 का पोलारिटी कैसा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, करंट जा रहा है इधर से, मतलब ये हायर पोलारिटी ये लोअर पोलारिटी, मतलब ये पर प्लस और ये माइनस, मिला। अब इस पे देखो N3 कॉइल में, इसमें भी तो यही फ्लक्स लिंक कर रहा है फाई, ये फाई ही तो लिंक करेगा, तो ये भी फाई डैश बहाएगा इसको रोकने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो इधर से अगर फाई है तो फाई इधर है तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या है भाई, ऐसा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करंट है, मतलब इससे निकल रहा होगा और इसके अंदर जा रहा होगा, ऐसे करंट जाएगा, है ना। तो इसका पोलारिटी कैसा होगा, यहाँ पे E3 जो आएगा उसका पोलारिटी होगा इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, मतलब ये प्लस और ये माइनस, क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट पकड़ लो ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए ए डैश में प्लस है, लेकिन यहाँ पे ए डबल डैश पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट पोलारिटी पे, सो सेम पोलारिटी को हम क्या करते हैं डॉट से मार्क कर देते हैं, सेम पोलारिटी को डॉट से मार्क कर देते हैं, सेम पोलारिटी को डॉट से मार्क कर, तो ए ए डैश एंड बी डैश बी डबल डैश
ए ए डैश एंड बी डबल डैश आर इन सेम पोलारिटी। सिमिलरली बी बी डैश एंड ए डबल डैश आर इन सेम पोलारिटी। क्लियर? समझ में आया एमपी? इस पोलैरिटी को निकालने से क्या फायदा मिलता है और हम क्या करते हैं इस पोलैरिटी का? देखो, जब ट्रांसफार्मर आप लगाओगे तो आपको पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ता है। क्यों पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम एक कॉइल में तो सप्लाई देंगे, दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, और वो जो सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें मल्टी टर्न्स हो सकते हैं, और फिर हम उन टर्न्स को कनेक्ट करेंगे। अगर हम पोलैरिटी बिना में देखे हुए अगर कनेक्ट कर दे तो हो सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने की जगह पे घट गया हो। कैसे? यहाँ पे देखो, ये वाला ई टू जो है, अब कनेक्शन कैसा है? ई टू का पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। ई थ्री जो है उसका निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। ठीक है, दिस इज माई ए डैश, दिस इज माई बी डैश, दिस इज ए डबल डैश, दिस इज बी डबल डैश। अगर मैं बी डैश और ए डबल डैश को कनेक्ट कर दूं, बी डैश और ए डबल डैश को कनेक्ट कर दूं, तो सर्किट कैसे कनेक्शन हो जाएगा? इसके ईएमएफ ई टू, इसके ईएमएफ ई थ्री, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मुझको मिलेगा ए डैश और बी डबल डैश के बीच पे, वो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन ई टू एंड ई थ्री। लेकिन अगर वहीं पे मैं पोलैरिटी मार्क करके अगर दोनों को ऐड करता कि भाई मेरा बी डबल डैश और बी डैश में कनेक्ट कर देता, और ए डैश और ए डबल डैश के बीच पे मैं अगर अपना लोड लगाता, तो क्या होता? बी डैश और बी डबल डैश। सो बैटरी कैसे कनेक्टेड है अभी? कि प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, सो ये हो जाता मेरा ई टू एंड ई थ्री। तो बैटरी का वोल्टेज क्या होता? एड हो जाता, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाता, ज्यादा मिलता है, ई टू प्लस ई थ्री मिलता। क्या समझ में आया थोड़ा थोड़ा मेरी बात है? जय श्री एवरीबॉडी, एम आई क्लियर? यस सर। सो आज के लिए यहां तक, बहुत कुछ बात कर लिया आज का, है ना? सारा कंसेप्चुअल बातें था, और साथ में ट्रांसफार्मर का कुछ थियोरिटिकल बातें था। क्या था? कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है क्योंकि उसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, और फेज शिफ्टिंग डिवाइस है क्योंकि उसमें फेज शिफ्ट हो जाता है। मैं नेक्स्ट डे दिखाऊंगा आपको फेज शिफ्ट कैसे होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा ट्रांसफार्मर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, है ना? और क्या देखा हमने? कि ट्रांसफार्मर में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं, रोटेटिंग मशीन में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एन डी फाई डी टी होता है या फिर बी एल वी होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन या तो लेंस लॉ से निकालेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से, और डायनामिकली होने से हम लोग राइट हैंड सेमी राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे। अगर फ्लक्स का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड कर्ल रूल, कि कर्ल के तरफ करंट जाए तो फ्लक्स जो होगा थंब में आएगा, थंब की तरफ करंट जाए तो कर्ल में मेरा फ्लक्स आएगा, है ना? फिर हमने बहुत सारे यूनिट्स देखे, हेनरी क्या है, टेस्ला क्या है, उसका रिलेशन क्या है, गॉस। तो ये सारी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी आज का लेक्चर। एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करना, देखना, थोड़ा टाइम लगेगा,
ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया और आप सबको समझ में आ गया और याद रह जाएगा, नहीं रहेगा, उसको पता है नहीं रहेगा, बार बार रिपीट करने से ही ये चीज क्लियर होगी। और अगर इग्नोर करते हो ना, जितना बार सुनोगे उतना बार तुम्हारा दिमाग इग्नोर करने की कोशिश करेगा ड्यू टू लेंस लॉ, है ना, कि दिमाग का जो मॉलिक्यूल्स है वो इन सारी बातों को एडप्ट नहीं करना चाहता है, वो बोलता है यार छोड़ ना, फैराडेस लॉ पढ़ लिया ना, लेंस लॉ पता है ना, हो गया, उसके अंदर ये क्यों जाने वाला है कि करंट इधर से जा रहा है, फ्लक्स इधर से जा रहा है। और फिर आप बोलोगे कि सर सब कुछ तो खत्म हो गया, पूरा कोर्स खत्म हो गया और फिर भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं जब न्यूमेरिकल करने जाता हूँ तो फिर नहीं कर पाता हूँ, मैं डायरेक्शन ही नहीं निकाल पाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बार जितना बार आप लेक्चर देखोगे आप स्किप करोगे या फास्ट फॉरवर्ड करोगे या बोलोगे बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, हाँ सुन तो लिए, सुनने से नहीं होगा, आपको बैठ के लिखना पड़ेगा क्या क्या चीज बोला है, टॉपिक तो पॉइंट लिख लो और फिर उसके ऊपर सोचो बैठ के, दिमाग को थोड़ा टाइम दो उसको एडाप्ट करने के लिए, तब जाके होगा। एम आई क्लियर? बोलो। अच्युत मधुर जो, यस चलो सर, क्लियर। बाय बाय, बढ़िया से करो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।